चितरंजन रेलवे स्टेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले चितरंजन रेलवे स्टेशन जो कि बंगाल में पड़ता है दोस्तों, और बंगाल का जिसका स्टेशन कोड है CRG, जब भी आप सर्च करेंगे। और ये रेलवे स्टेशन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जब कभी भी आप यहाँ पे जाते हैं कैसे जाएंगे, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। जाएंगे तो चितरंजन आपको बीच में मिलेगा। ये रेलवे स्टेशन है पूरी तरीके से देख सकते हैं, जो कि पूरा कोल माइंस है। चितरंजन जब भी आप जाते हैं इसके नियरेस्ट में पूरा कोल माइंस पड़ेगा। बहुत सारे कोल माइंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। क्वार्टर आपको मिलेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आती है, साथ साथ में यहाँ से माल गाड़ियाँ भी जाती है जो कि कोयला को लेके जाती है। इस तरीके से आपको मिलेगा ये पूरा नज़ारा है। चितरंजन जामताड़ा में पड़ता है, जो कि इस तरीके से हावड़ा से 237 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप आसनसोल की बात करें तो 25 किलोमीटर आपको आसनसोल पड़ेगा, जो कि आसनसोल जंक्शन है बहुत बड़ा, और वहाँ से ये 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, जब भी आप जाते हैं यहाँ से आसनसोल भी जा सकते हैं, साथ साथ में यहाँ पे भी घूम सकते हैं चितरंजन। तो ये है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के अंदर का दृश्य हमने दिखाया, रात्रि में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जब यहाँ पे ट्रेनें चलती तभी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चूंकि ये साइड में है। इसके नियरेस्ट में आपको क्वार्टर ही क्वार्टर मिल जाएगा। ये बाहरी गेट है जहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं और इधर से आप जा सकते हैं। बाहर में एक छोटी सी ट्रेन भी रखी गई है, पहले वाला डीजल लोकोमोटिव, और ये स्टेशन का अंदर का है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। रात्रि को भी यहाँ पे कुछ कुछ लोग मिलेंगे, ज़्यादातर जो लोग हैं वो दिन में मिलेंगे। साथ साथ में बाहर निकलिएगा तो ऑटोज वगैरह कैब वगैरह पकड़ के आप यहाँ से अन्य जगह पर जा भी सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी है चितरंजन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है CRJ। जब भी आप सर्च करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यही है चितरंजन रेलवे स्टेशन, जो कि इस तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं चितरंजन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम आपको बता दें कि यहाँ से अगर रेड लाइट एरिया की बात करें तो यहाँ से आपको आसनसोल जाना पड़ेगा, जो कि 25 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ से आपको नियामतपुर जाना पड़ेगा, जिसका एक और वीडियो हमने बनाया है। तो चितरंजन से नियामतपुर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। और अगर आप इलीगल तरीके से यहाँ से भी बहुत सारी जगह पे है रेड लाइट एरिया, वहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। तो इस तरीके से जा सकते हैं। वहाँ से रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेनें वगैरह मिल जाएंगी, लोकल ट्रेनें भी चलती हैं, जो कि उसको भी पकड़ के आप जा सकते हैं। तो बंगाल का ये जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइबर क्राइम एंड ऑल चीज़ों से, जो कि उसका एक और वीडियो हमने बनाया, उसमें आप देख सकते हैं पूरी जानकारी के साथ, उस वीडियो में हमने बनाया। तो ऐसे आप घूम सकते हैं और जा सकते हैं। ये पूरा जानकारी था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी गाड़ियाँ आपको हावड़ा से, जो भी पूर्वा एक्सप्रेस या फिर और जो गाड़ियाँ हैं, वो चितरंजन से होते हुए जाती है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ट्रेनें मिल जाएंगी, जो कि बहुत सारी गाड़ियाँ का यहाँ पे स्टॉपेज होता है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं और पूरा घूम सकते हैं। ये पूरा जानकारी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें और प्लीज़।